हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैमर। आज की ये लाइफ स्टोरी आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी रहने वाली है। तो चाहे आप रिया शुक्ला को जानते हो या ना जानते हो, पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, लेकिन सच में यदि लाइफ में कुछ सीखकर आगे बढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखें। आई एम वेरी श्योर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके नाम में ही छिपी है उनकी पर्सनैलिटी, यानी वो है रियलिस्टिक, इंस्पायरिंग, यूथफुल एंड ऑलराउंडर। लेकिन केवल इतने से वर्ड्स काफी नहीं है रिया की पर्सनैलिटी बयान करने के लिए। भले ही वो एज में अभी काफी छोटी हो या हाइट में, लेकिन रिया के शब्दों में कहा जाए कि देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर, तो शायद वर्ड्स ही कम पड़ जाएंगे उनको एक्सप्लेन करने के लिए। डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, कॉमेडी, सेंस ऑफ ह्यूमर, ह्यूमैनिटी, खूबसूरती, चाहे जितने भी वर्ड्स रिया शुक्ला को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाए, तो भी मल्टी टैलेंटेड रिया को प्रेज कर पाना अधूरा ही रह जाएगा। उनकी क्यूट सी स्माइल और आवाज से जानने पर लगता है कि रिया कोई इनोसेंट सी बच्ची होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिया बहुत ही कम एज से ही काफी मैच्योर है। उनकी बातें और मॉरल वैल्यूज से साफ समझ आता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कितनी अच्छी रही है। अपनी बर्थ प्लेस इंदिरा नगर लखनऊ की दीवानी रिया भले ही काफी टाइम से मुंबई शिफ्ट हो गई है, लेकिन लखनऊ आकर ही उन्हें एक अलग सा सुकून मिलता है। उनका जन्म 1 जनवरी 1998 को ऐसे पेरेंट्स की बेटी के रूप में हुआ था जिन्होंने बेटियों को लंबे लंबे घूंघट वाली प्रथाओं को इग्नोर करते हुए जो तुम्हारा पैशन हो उसे फॉलो करो की हमेशा ही सीख दी। 3 साल की उम्र से ही चाहे कथक क्लासेस हो या फिर क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग, रिया प्रयाग संगत समिति इलाहाबाद में अपने गुरु बसंत कुमार साख्या से ट्रेनिंग लेना शुरू कर चुकी थी। और उन्हीं की बदौलत ही बिना एक्टिंग क्लास ज्वाइन किए भी एक्टिंग का हुनर वो सीख पाई। रिया को पहला ब्रेक भी अपने गुरुजी के बताने के बाद मिला। वो बताती है कि उनके गुरुजी ने ही उन्हें हिंदुस्तान के हुनरबाज शो के ऑडिशन के बारे में बताया था, और रिया ने चलो ट्राई करने में क्या जाता है सोचकर उस शो का ऑडिशन दिया और वो उसमें सेलेक्ट भी हो गई। उसके बाद वो DID लिटिल चैंप्स के एक सीजन में भी नजर आई। लेकिन छोटी सी रिया ने तब ये कभी नहीं सोचा था कि उन्हें लाइफ में और भी कुछ बड़ा हासिल हो सकता है। जब रिया लखनऊ के MKSD स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में थी, तभी उनके शहर में मूवी नील बटे सन्नाटा के ऑडिशंस हुए। तब रिया ये सोचकर ऑडिशन देने पहुंच गई कि चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, लेकिन किसे पता था कि मूवीज के पहले ही ऑडिशन में वो सिलेक्ट भी हो जाएंगी। जब रिया से इस बारे में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतनी जल्दी फेमस हो जाना और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स इतनी कम एज में मिल पाना अपनी किस्मत मानती हैं या फिर अपनी मेहनत को, तो रिया ने जवाब दिया कि मेहनत ही सब कुछ होती है। तुम्हें कुछ पाना है तो तुम अपने घर पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते, तुम्हें उठकर अपने हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे, और किस्मत भी तभी काम करती है जब हम मेहनत करते हैं। वैसे रिया के पेरेंट्स की बात करें तो उनके फादर सुशील कुमार शुक्ला विधान भवन लखनऊ में काम करते हैं और उनकी मदर माधुरी शुक्ला एक होम मेकर है, और वो 4 भाई बहन हैं जिनमें से 2 उनसे बड़े हैं और 1 छोटा, यानी हमारी रिया ऊपर से 3rd नंबर पर आती है। रिया नील बटे सन्नाटा के अलावा तनु वेड्स मनु और सन 75 में कैमियो रोल्स भी कर चुकी है। 2017 में उन्होंने बटरफ्लाइज एंड हरिकेन्स नाम की एक मूवी में बतौर आर्ट डायरेक्टर भी काम किया था। उसके बाद 2018 में हिचकी और 2019 में 3rd Eye मूवी में भी उन्होंने काम किया, और अब 2020 में उन्हें कलर्स के एक शो नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी में देखा जा रहा है। वैसे इस शो से पहले उन्होंने सिर्फ मूवीज में काम किया था, जिस पर उनकी फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन था कि मूवीज में काम करने के बाद टीवी शोज में काम करना सही नहीं रहेगा। लेकिन हमारी रिया को शो की स्क्रिप्ट में दम लगा और उन्होंने इस शो को करने के लिए हाँ कर दिया। वैसे शो में जिस तरह रिया अपने लिए अमिताभ बच्चन ढूंढती है, वैसे ही रियल लाइफ में रिया को अमिताभ बच्चन के साथ किसी मूवी में काम करने का सपना है। बाकी वो सभी एक्टर्स को अच्छा मानती है और किसी पर्टिकुलर एक्टर के साथ काम करना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा नहीं है। रिया अपनी पढ़ाई में हमेशा से अच्छी रही है, सिर्फ मैथ सब्जेक्ट को छोड़कर।
उनकी हिंदी शब्दों पर काफी अच्छे से कमांड है और पुराने सॉन्ग्स भी उन्हें काफी अच्छी तरह याद है। बात करें कुछ अननोन फैक्ट्स की तो रिया मॉर्निंग में जल्दी उठकर नारियल पानी पीना कभी नहीं भूलती। उनका निकनेम परी है और उनकी बेस्ट फ्रेंड का नाम अनुशिका श्रीवास्तव है। रिया के फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन है। नील बट्टे सन्नाटा मूवी की फिल्म मेकर अश्विनी अय्यर तिवारी ने उनके लिए एक प्राइवेट ट्यूटर लगाया था जिससे उनकी पढ़ाई अफेक्ट ना हो। वैसे आपको बता दें कि नील बट्टे सन्नाटे मूवी के ऑडिशन के दौरान रिया का 101 नंबर था और रिया मानती है कि उनसे बेहतर लोग भी उनसे पहले एक्टिंग ऑडिशन देकर गए थे और 500 लोग उनके पीछे भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत पर शक ना करके अपना 100% उस ऑडिशन में दिया और वो सेलेक्ट भी हो गई। रिया की एक्टिंग स्किल्स से इम्प्रेस होकर एक्टर पंकज त्रिपाठी उन्हें लौंगिया मिर्च बुलाया करते थे। इसके अलावा रिया एक प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करती है, साथ ही टीवी एक्टर जन्नत जुबेर भी उनकी काफी अच्छी दोस्त है। रिया ने रानी मुखर्जी को सेट्स पर देख देख कर काफी एक्टिंग स्किल्स उनसे सीखी है। प्लस काफी लोगों का मानना है कि रिया में रानी मुखर्जी की झलक भी देखने को मिलती है। रिया काफी टीवी कमर्शियल्स में भी नजर आ चुकी है जिनमें से विस्पर अल्ट्रा और टेड टॉक नई सोच कुछ नाम है। एक सबसे अच्छी सीखने वाली बात रिया बताती है कि उनकी माँ बाप ही उनके लिए सब कुछ है, क्योंकि वो ही है जो हमें इस प्यारी सी दुनिया में लाते हैं। साथ ही रिया के फादर ने उन्हें हमेशा से ये सिखाया है कि अपने पंख तुम खुद बनाओ और उतना ही उड़ो जितने में जमीन तुम्हें दिखाई दे, और शायद यही वजह रही है कि रिया इतनी कम एज में इतना अचीव कर पाने के बाद भी इतनी हम्बल और डाउन टू अर्थ है। प्लस रिया का मानना है कि हमें सबसे ज्यादा टाइम बुजुर्गों के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि वो हमें जितना सिखा सकते हैं उतना कोई और कभी नहीं सिखा सकता। लास्टली रिया की हाइट 4 feet 10 inches है, जो ज्यादा छोटी भी नहीं कही जा सकती। एंड हमारा मानना है कि छोटी हाइट की गर्ल्स ज्यादा एज तक यंग और क्यूट लगती है, साथ ही हील्स पहनने के असली मजे तो वो ही ले पाती हैं। इसलिए किसी को भी अपनी हाइट को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान ने हम सभी को इक्वली यूनिक बनाया है। इसी होप के साथ कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, मैं इस वीडियो को यही एंड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।